बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर का ये मकान बिहार के क्रिकेटरों का मक्का बन चुका है, क्योंकि ये मकान है ईशान किशन का। वो ईशान किशन जो यंग टीम इंडिया वर्ल्ड कप का कमान संभाल चुके हैं। अभी हम उस घर में मौजूद हैं जहां पर क्रिकेट का एक मैच चल रहा है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जहां ईशान किशन झारखंड की तरफ से खेल रहे हैं और पूरा परिवार, और जो सुबह से, या यूं कहें कि कल से यहां बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ईशान के दोस्त, ईशान को जो सिखाने वाले जो लोग हैं, उनके कोच, वो तमाम लोग यहां सुबह से यहां पे उनके परिजनों को, उनके माता पिता और उसके बड़े भाई को बधाई देने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कोच भी यहाँ पे हैं, उनके कुछ दोस्त भी यहाँ पे टिके हुए हैं। और सबसे पहले ईशान की माता जी से बात करते हैं। 7 वर्ष की उम्र में ईशान ने पहली बार बल्ला थामा, 17 वर्ष की उम्र में टीम इंडिया की कमान थाम ली, कैसा लग रहा है मैम? बहुत गौरव की बात है, बिहार के लिए गौरव की बात है, और हम तो माँ हैं तो मेरे लिए तो जाहिर है कि बहुत खुशी का बयान नहीं कर सकती हूँ, कितनी बड़ी खुशी मुझे मिली है। पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है, हम भी गौरवान्वित हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बधाई दी है। लेकिन जब जब ईशान मैच खेलता था, एक माँ के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, किस तरीके से आप बहुत पूजा पाठ करती हैं, हमने अभी देखा है, जब जब ईशान फील्ड पे उतरता है क्या रिएक्शन एक माँ की होती है? मैं उसका मैच कभी नहीं देखती थी, आज पहली बार मैं नहीं आ रहे थे मैच देखने के लिए, लेकिन आना पड़ा और बहुत टेंशन होता, हम नहीं उसका मैच कभी नहीं देखते, सिर्फ स्कोर हमको पता होना चाहिए, स्कोर हमको बता दिया जाता। मतलब आज तक आपने अपने बेटे को टीवी पर खेलते हुए कभी देखा नहीं है? मैंने कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रही हूँ, पहली बार। ईशान अब देश का लाल बन चुका है, आपका लाल अब देश का लाल बन चुका है, क्या अब के बाद जब वर्ल्ड कप होगा क्या वो मैच देखेंगी आप? मुश्किल सवाल, कह नहीं सकती, चलिए कोई बात नहीं है, उनके पिताजी भी यहाँ पे हैं। घर में जो मुझे लग रहा है या जो जानकारी है, क्रिकेट का माहौल बिल्कुल नहीं है, आप क्रिकेटर नहीं हैं घर में, दूसरा कोई बेटों के अलावा क्रिकेटर कोई नहीं है, फिर ये क्रिकेट और कितना साथ दिया, कितने साथ खड़े रहे आप अपने बेटे के? ये क्रिकेट का शौक हमें बचपन में था, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं, तो जब इसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्रिकेट में जस्ट ऐसे ही खेलवाया था, शुरू किया था कि जो घर में रहने से बेटर है कि मैदान पर रहो, कम से कम फिटनेस के लिए भी अच्छा है, बट उसमें अच्छा करता गया तो हम लोग उसको सपोर्ट करते चले गए। उस वक्त क्या लगा होगा जब स्कूल में गैर हाजिर होने की वजह से DPS स्कूल से इसको निकाल दिया गया था, एक पिता के रूप में उस वक्त क्या आप बहुत क्रोधित हुए थे, क्या क्या आपने सोचा था जब इसको स्कूल से निकाल दिया गया? नेचुरली गुस्सा तो आया था, हमने कहा कि नहीं अब नहीं लेना है, हम तुरंत हमने दूसरे स्कूल में बात किया, उस समय अश्विनी पब्लिक स्कूल बिल्कुल साथ में खड़ी हो गई कि नहीं अभी एडमिशन होगा और हम लोग सपोर्ट करेंगे, और उसने काफ़ी सपोर्ट किया। बेटे पर भी गुस्साए थे? नहीं, क्योंकि उसमें मेरी भी रजामंदी रहती थी, मैच खेलने में मेरी भी रजामंदी रहती थी, हम स्कूल से लाकर, कभी वैसे इंपॉर्टेंट ट्रायल हुआ या मैच हुआ तो हम स्कूल से ला करके उसको मैच खेलवाते थे। तो जब स्कूल से निकाल दिया गया, पढ़ाई छूट गई, उस वक्त क्या आपको लगा कि उसका मलाल आपको जीवन भर नहीं रहेगा, आपका बेटा टीम इंडिया का नेतृत्व करेगा, उस वक्त कुछ आभास हुआ कि ये खेल इसको बहुत आगे ले जा सकती है? नहीं, उस वक्त बिल्कुल ये टेंशन नहीं था कि वो स्कूल से निकाल दिया गया, उस चीज़ का हमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहा, सिर्फ स्कूल पर इसलिए गुस्सा आया कि और सपोर्ट करना चाहिए, तो उसने और उसको बाहर कर दिया स्कूल को, उस वक्त 16 खेल रहा था वो झारखंड से, बट स्कूल ने उसमें कोई सपोर्ट नहीं किया। रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है लोगों को, ईशान उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने बिहार से पलायन तो किया, लेकिन यहाँ पर उनकी प्रतिभा और उनकी सफलता के झंडे गड़े हुए हैं, ये तमाम जो यहाँ पे ट्रॉफीज रखे हुए हैं, वो ईशान किस तरीके से एक एक करके कदम दर कदम, बॉल टू बॉल आगे बढ़े हैं, ये उसकी पूरी कहानी है। लेकिन बिहार में इस वक्त छोटे सरकार हैं, तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री हैं और पूर्व क्रिकेटर भी हैं, तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार में BCA को लेकर जो विवाद हुआ, जिसकी वजह से ईशान जैसे खिलाड़ियों को बिहार से बाहर जाना पड़ा, अब
जबकि तेजस्वी यादव बिहार में छोटे सरकार हैं, तो कम से कम VCA का विवाद खत्म हो और एक गेम का, एक खेल का माहौल बने यहाँ पे। इस उम्मीद के साथ ईशान किशन को, जो कि यंग टीम इंडिया के कप्तान हैं, उन्होंने कमान संभाली है यंग टीम इंडिया की, तो हम टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रुपेश कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पटना।